बीजेपी नेता नीलेश यादव की दीघा स्थित कोको कोला एजेंसी से 17 बोतल विदेशी शराब बरामद हुई है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान यह शराब जब्त की है। इस दौरान पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बिहार में शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश के सख्त निर्देश के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। इसके तहत पटना सहित बिहार में लगातार पुलिस छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि दीघा थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि दीघा स्थित कोको कोला एजेंसी से विदेशी कीमती शराब की तस्करी की जा रही है। वरीय पुलिस अधिकारियों को सूचना देते हुए थाना अध्यक्ष ने भारी पुलिस बल के साथ कोको कोला एजेंसी में रेड किया। पुलिस को देखते ही आरोपी इधर उधर भागने लगे। इस पर पुलिस ने पीछा कर 7 लोगों को दबोच लिया। वही इस दौरान कई भागने में कामयाब रहे। वही पुलिस सीसीटीवी कैमरे को कब्जे में लेकर और भी आरोपियों की तलाश कर रही है। शराबबंदी में आज जो है छापेमारी की गई है। सूचना मिली थी कि जो है कुछ लोग जो है कोको कोला एजेंसी में बैठ करके शराब पी रहे। वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार जो है वहाँ छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में जो है मैनेजर सहित जो है 7 लोग पकड़े गए। मालिक जो है उसमें फरार हो गया है। मालिक भी वहाँ होने की सूचना मिल रही थी, लेकिन उन परिस्थितियों में मालिक फरार है। वर्तमान स्थिति में 7 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें जो है अंग्रेजी शराब भी पकड़ी गई है। अंग्रेजी शराब में जो है 100 पाइपर्स और रॉयल स्टेग भी पकड़े गए हैं। मालिक का क्या नाम हुआ था? मालिक उनके मैनेजर के द्वारा जो बताया जा रहा है और गार्ड के द्वारा बताया जा रहा है कि मालिक जो है नीलेश कुमार है। उन पर भी जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। FIR दर्ज सीजर बना करके जो है FIR दर्ज की जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जा रही है। थैंक यू। निकालिए तो भैया, तो नीचा रख देना था हाथ में लेकर। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।